सब्सक्राइब कीजिए मेरे गवर्नमेंट जॉब सेंटर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के नए एक्साइटेड वीडियो में। जैसे कि आपने अपने थंबनेल में देख लिया, SSC CPO का जो हाल ही में वैकेंसी निकला है, वैकेंसी अब खत्म होने वाली है और न्यू वैकेंसी आपकी जो आने वाली है तो वो है 2020 और 21 को, यानी 2020-21 साल को आने वाले ईयर को आने वाली है। वो कितनी वैकेंसी हुई सारी बात बताऊंगा, तो उससे पहले जरूरी बात आपके लिए, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और सामने जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबाकर मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दूसरी बात आपके लिए, अगर आप कोई भी SSC GD का कोई भी रेलवे का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि ये नहीं कि आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो वैकेंसी निकलने वाली है सबके लिए है, ऑल कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट हैं, तो इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंत से लेकर आखिर जरूर इसे SSC CPO में जो आपकी जो वैकेंसी निकलने वाली है, जैसे कि देख रहे हैं SSC फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑल इंडियन एग्जामिनेशन रिजल्ट, सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस और CSF ASI का इस पोस्ट निकलने वाले है, CFPF के अंडर में ही आता है। इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी होगी इस बार दोस्तों, लगभग पोस्ट जो होगी आपकी जो अब इस बार जो पोस्ट होगी लगभग 10,000 से लेकर 12,000 लगभग पोस्ट होगी। और इसमें जो पोस्ट होगी आपकी लगभग जनरल के लिए 3,000 पोस्ट और SC ST के लिए लगभग 4,000 या 6,000 पोस्ट हो सकती है, और बाकी सब OBC के लिए, यानी 5,000 से 6,000 OBC के लिए इसमें पोस्ट। इसमें भी SC के लिए जो SC ST और ऑल कैंडिडेट के लिए मेल कैंडिडेट है इंडिया के, उसमें जो आपका हाइट होगी दोस्तों ऑल इंडिया मेल कैंडिडेट की, इस बार जो हाइट होगी ये बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आपके साथ कह सकता हूँ, इसमें जो आपको हाइट होगी 165 होगी दोस्तों। और ST जो कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से, इसमें जो आपकी ST कैंडिडेट की हाइट होगी लगभग 162.5 हाइट होगी, वो है होगा ST कैंडिडेट के लिए। और जितने भी कुमाऊं गरवार ये सब हो, इनकी जो हाइट होगी इस बार 161 सेंटीमीटर होगी, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं। उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020 मार्च के फर्स्ट वीक या अप्रैल के सेकेंड वीक तक इसकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। जैसे ही इसकी ऑनलाइन शुरू होगी जरूर मैं इसके प्रोसेस बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में SSC CPO स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एग्जामिनेशन दिल्ली पुलिस CSF क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न सिलेबस एडमिट कार्ड सब इसमें दे रखा है दोस्तों। जैसे कि आपने देख पा रहे हैं इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म लगभग आपकी इसमें तो जनवरी दिखा रहे हैं, लेकिन मार्च या अप्रैल में इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा। लास्ट इसकी जैसे देख पा रहे हैं अप्रैल तक इसका चलेगा। तो पेपर वन का जो एग्जाम होगा दोस्तों ये मई में होगा, उसके बाद इसका जो PET एंड PST अनाउंस होगा जुलाई में, और अगस्त में इसकी मेडिकल टेस्ट अनाउंस कर दी जाएगी, मेडिकल टेस्ट होगी, उसके बाद एडमिट कार्ड अवेलेबल होगी। इसके बाद पेपर टू होने के बाद आपका इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसमें ये इजिबिलिटी क्राइटेरिया के जैसे भी देख पा रहे हैं, इजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट हुई बिलोंगिंग टू सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, भूटान नेपाल तिब्बत किसी और भी कंट्रीज का आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद श्रीलंका के लिए सारी कुछ वैकेंसी इसमें भी है, ईस्टर्न अफ्रीकन जो यूरोपियन कंट्री है इसमें भी शायद वैकेंसी
कुछ कुछ मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कोई भी अफ्रीकन कंट्री को उसमें नहीं दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल जो इसमें क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ग्रेजुएशन डिग्री यानी प्लस थ्री का डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब तभी इस एग्जाम में आप अभ्यर्थी बन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आज दिख रहे हैं 18 से 20 से लेकर 25 साल कोई भी अभ्यर्थी इसको अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी एज 20 साल हो और 25 साल के अंदर हो उसे अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी लिए 3 साल की छूट और एससी एसटी लिए 5 साल छूट की इसमें इजाजत दी गई है। उसके बाद सिलेबस की बात करें, सिलेबस में इसमें अनाउंस होगा पेपर वन पेपर टू का, इसमें आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग होगा और नर्व हार्बर भार्बर रीजनिंग होगा, कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल वैल्यूइंग होगा, जजमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा, जीके होगा, जीएस होगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जनरल अवेलेंस होगा, जीके होगा, नॉमिनिक पॉलिटिक्स पार्टनरशिप होगा, इंग्लिश भी होगा इसमें दोस्तों। पेपर टू भी ये होगा जीए को मैथ से लेकर रिलेटेड होगा। जैसे कि अब अगर मार्क की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स क्वेश्चन पड़ेगी और इसमें भी आपको 50 मार्क्स अटेंड करना होगा। उसके बाद बात करें जाए को जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क आपको मिलेगा अटेम्प्ट करेंगे तो। उसके बाद बात की जाए तो क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 मार्क इसमें भी आएगा, इसमें भी आपको 50 मार्क अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद पार्ट डी इंग्लिश भी आपको 50 मार्क ही आएगा, तो इसमें ये होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की तो 0.25 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं SSC CPO नेगेटिव मार्किंग अलाउड टू ईच रॉन्ग आंसर 0.25 विल बी ट्रिगर्ड, इसमें तो बहुत कम है, तो ये भी अच्छी बात है सब कैंडिडेट के लिए। टोटल जो इसमें क्वेश्चन आएंगे दो पेपर में 200 मार्क का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ये होगा रिटन एग्जाम के बारे में। और पीटी की अगर बात करें यानी फिजिकल स्पेंसी टेस्ट की बात में अगर बात की जाए तो इसमें जो होगा इस बार रनिंग होगा 1.6 केम की रनिंग होगा, उसके बाद होगा लगभग 100 केम की रेस होगी, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना है। 100 केम की रेस होगा उसमें आपको 16 सेकंड में क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद हाई जंप होगा 1.2 मीटर की, इसमें तीन चांस मिलेंगे। लॉन्ग जंप होगा आपका 3.65 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांस देंगे। उसके बाद शॉर्ट पुट होगा 16 रैप्स 4.5 मीटर, इसमें आपको तीन चांस जरूर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी जरूरी बात, आपके लिए कितने चांस मिलेगा क्या होगा तो उसमें आपको इतनी चांस मिलेगी। उसके बाद फिजिकल इंस्पेक्शन फीमेल कैंडिडेट जो है उसके लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा, 100 मीटर की रनिंग होंगी 18 सेकंड में आपको इसमें 18 सेकंड में इसके आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद रनिंग होगी 800 मीटर की, इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 800 मिनट देगा। लॉन्ग जंप होगा 3 फीट, इसमें भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 9 फीट की लॉन्ग जंप होगा, आपको 3 चांस दी जाएगी दोस्तों। तो ये था बेसिक जानकारी जो पीटी पीएसटी के बारे में। इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसमें आपको पेपर वन की पीटी एंड आंसर दी जाएगी यानी रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड। नेक्स्ट पर्सनलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू, इसमें आपको बहुत सारे इंटरव्यू होगा जिसमें जीके के क्वेश्चन, पर्सनलिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन आपको पढ़ सकते हैं। इसी इंटरव्यू में क्या क्या पूछा सकता है इसकी वीडियो भी मैं जब इसकी पोस्ट निकलेगी तो मैं इसकी वीडियो आपको बता दूंगा कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है जैसे CPO इंटरव्यू में, क्योंकि मैं भी एक CPO के अभ्यर्थी हूँ और हाल ही मैंने एग्जाम में कुछ
पर्सनल प्रॉब्लम का लो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करे, लेकिन इसके बारे में ज़रूर मैं आपको सूचित कर दूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो है मेडिकल एग्ज़ाम, इसके बारे में मैं जब इसकी मेडिकल एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो मैं इसकी मेडिकल एग्ज़ाम की वीडियो भी मैं इसमें अपलोड कर दूँगा। इसमें सेंट्रल या रेलवे की जो हॉस्पिटल होती है, गवर्नमेंट आर्मी में हॉस्पिटल, इसकी मेडिकल एग्ज़ाम इसमें दी जाता है दोस्तों। तो ये कुछ थी जरूर जानकारी। तो अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, फैन के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, और सब्सक्राइब करके पास में एक बेल आइकन दिख रही होगी घंटा से, अगर घंटा आइकन बजा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मेरा गवर्नमेंट चैनल का नाम है गवर्नमेंट जॉब सेंटर। तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करना जो लोग नए कैंडिडेट हैं, नए व्यूअर हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।